गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, गाइज वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। तो गाइज आज की शुरुआत कुछ इस तरह है कि रात हो चुकी है और मैंने पूरे दिन ब्लॉग शूट नहीं करा था, तो मैं आज जल्दी घर आ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं बना रही कुकड़ों की सब्जी। आपने ये सब्जी शायद खाई नहीं होगी, ये सब्जी पहले कभी खाई नहीं होगी और क्या पता आपने कभी खाई ना हो। मैं इसको कोई शोर हो के नहीं बोल सकती कि आपने खाई होगी स्पेशली। तो एक होती है ककरौंदा, ककरौंदा जो होता है वो गोल गोल टाइप में होता है, हालांकि मैंने काटते हुए टाइम आपको नहीं दिखाया, फिर मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ये ककरौंदा है जिसे मैंने कट कर लिया है और मैंने ये प्याज वगैरह फ्राई कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, अब मैं इसको थोड़ा सा ढक दूँगी और ये पकता रहेगा। और हम एक तरफ बना रहे हैं ये समोसे। तो गाइस एक तरफ हम बना रहे हैं समोसे, समोसे की ये देखिए, ये हमने सब मैश के आलू तैयार कर रखे हैं और ये थोड़ा सा आटा, आटा दिखाते हैं। तो ये देखिए इसका आटा, इतनी बड़ी परात में इतना सा आटा तो ये आटा भी रेडी कर रखा है। और ये है मटर जो हमने बॉइल कर रखी है। तो गाइस अब हम बनाएंगे समोसे। समोसे की अजवाइन मिलाई है, नमक मिलाया है और थोड़ा सा और मैदा है। हम सब चीज़ों को मिक्स कर हमने एक आटा लगा के तैयार कर लिया हमने। अब हम बनाएंगे आलू। आलू में मसाले वगैरह जो खड़े खड़े डालते हैं कुछ भी डाल लो, जो डालना है वो मैंने डालकर अब मैं बनाने जा रही हूँ समोसे। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, समोसे किस तरह से बेल कर किस तरह से कट करूँगी मैं, चलिए आइए। देखिए ये सब बना रही हूँ मैं समोसे। ये मैंने इससे कट करा है, इसको बेलकर इससे कट करें तो पतला बेल है। गाइस देख सकते हैं ना मैं बना रही हूँ मजेदार समोसे। अब मैं इसके अंदर स्टफिंग भरूंगी, ये आधा टुकड़ा है ना, तो आधे टुकड़ों को मैं कैसे जोड़ती हूँ। तो देखिए गाइस ये है समोसे, ऐसे करके मैंने इसको फोल्ड कर दिया। वीडियो बना रही ना, वो ब्लॉग बना रही, समोसे दिखा रही है ब्लॉग में। हाँ समोसे दिखा रही हूँ, देखना तुम भी, तेरे तुम भी देखना समोसे मेरे। ये देखो मैंने स्टफिंग भर दी, अब ये मैं इसको बंद कर रही हूँ। और कौन सी देखी थी आज की? अच्छा जब कहो मेरा लाइक कम क्यों है। ये देखिए गाइस समोसा रेडी, ये देखिए समोसा रेडी, भात जैसा एकदम लग रहा ना, मस्त लग रहा ना, मस्त बताइए कैसा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना। ऐसा समोसा बनाया एकदम नूनू से बनाया मैंने। अब मैं ये प्लेट इतनी बड़ी थाल में समोसे रखती जाऊंगी, ये रख दिया मैंने। अब मैं एक और बनाऊंगी, तो चलिए इसी तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ। कम्मो के पास लेके चलते हैं, कम्मो कैसे इस तरह से सेक रही है, देख कर आते हैं। कितने बढ़िया सेक रही है, तो मतलब धीमी आंच में, देखिए गाइस धीमी धीमी आंच में सेक रही है कम्मो। धीमी आंच में सेकने से मैदा कच्चा नहीं रहता। अच्छा हाँ बढ़िया से बनाना है। और ये हमारे ककड़ौंदे की पक्के तैयार हो चुके हैं। और हमने ये बनाया क्या क्या सब्जी है, चिठेल, चिठेल की सब्जी चावल है। हम इसको चला देंगे थोड़ा थोड़ा करके, हमारी चिठेल की सब्जी तैयार है। ओके चलिए गाइस, गाइस आप देख सकते हैं ये समोसे रेडी है। कमा बहुत तुम समोसे बना लिए नहीं हम लोगों ने मिलकर। गाइस बहुत दिल कर रहा था हमने ना समोसा खाने का, मैंने नगमा से कहा कि नगमा बाहर से समोसे ले आते हैं, तो नगमा ने कहा नहीं नहीं बाहर से समोसे नहीं लाते, घर में बनाते हैं और घर में सबको खिलाइए। तो फिर नगमा ने कहा तुम अपने घर भी दिया ना, मैंने कहा चलो ठीक है मैं अपने घर दिया, इसलिए हमने घर अपने इसलिए यहाँ बनाया। देखिए मजेदार रेसिपी गाइस, ये दोनों आप सोच रहे होंगे ये दोनों क्या है, समोसे के आलू बचे थे तो मैंने इसका बड़ा पाव बनाया है। अच्छा आज बड़ा पाव भी बना दिया तुमने, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो करिश्मा, है ना, तो ज्यादा बेटर रहता है नहीं बन में लगा कर, बड़ा पाव बन जाता है। पाव होता है
हम बन भी ले लेते ना बन। अब चलो तुम फटाफट करके दो। बताओ ना ये बन ये क्या है? पाव? बड़ा पाव? बड़ा है, बड़ा बड़ा है। पाव नहीं लिया हमने। चलो लाओ जल्दी दो। अब तो सेक तो लू। चलो ठीक है, चलो मैं पैक कर लेती हूँ। फटाफट आओ। गाइस मैं आपको बताना भूल गई थी, अम्मी आ रही थी आज और भाई आया हुआ था, सानवा चला गया था ना, तो अम्मी और भाई दोनों ही आए हुए थे। वो आ रहे थे तो रास्ते में, इसलिए मैंने फटाफट था शाम को क्या नाम है तैयार कर लिया था उनके नाश्ते के लिए समोसे, और करिश्मा का भी बहुत मन कर रहा था, हमने समोसे रेडी कर लिए। अब अम्मी आ चुकी है, हम नाश्ता करा रहे हैं। चलिए देखिए, ये मेरी अम्मी गाइस। हाय। सलाम कर रही है गाइस। और ये मैं हूँ गाइस। ये सामने वाली, इसको तो जानते हो आप। तो गाइस हम नाश्ता कर रहे हैं। काया हूँ मैं गाइस। हाँ ये बात तो है, तू गोरा लग रहा है, मैं काली लग रही हूँ। ऐसा ही हो। और ये हमने लेकर आप मम्मी के लिए नाश्ता कराया, हमने नाश्ते के लिए देखो हम क्या क्या हमने रेडी करा है, मतलब एक घेवर तो हम बाहर से लेकर आए थे, ये घेवर है और ये बनाए हैं हमने, आपने तो देखा है हमें बनाते हुए, मैं आपको दिखा दूँ। इसे ले खाओ। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे समोसे, कुछ कहने ही ना है। ये कुछ कहने ही ना करने वाला आ गया, कुछ कहने ही ना। टेस्टी बने, सही बने हैं। कैसे बने मम्मी? बहुत अच्छे बने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो गाइस मम्मी को भी पसंद आ गए, सानवर को भी बहुत पसंद आ गए। कुछ कहने ही ना, इतने मजेदार लग रहे हैं। हाँ कुछ कहने ही ना, बहुत दिन हो गए खाए हुए हैं। हाँ। कुछ कहने ही ना करे हुए। भाई आपने देखा मैंने समोसे कितने बढ़िया बनाए, आप कमो आएगी तब मैं खाऊंगी कमो के साथ, कुछ कह नहीं ना समोसे। अब मम्मी खा रही है, पानी लाओ मम्मी। तू बैठ के चाय लाओ। सर चाय पानी दे तो दिया सामने। हाँ नहीं नहीं रंधा, अरे रंधे बैठे रहे, अरे बैठे रहे, अरे हम भी खाएंगे। अम्मी का घेवर तो खाओ। अरे नहीं खा लो। गाइस हमने खाना वगैरह सब खा लिया है और हम बैठे हुए हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करिश्मा के पैर में ना आज स्कूटी से चोट लग गई थी, मैं दिखा रही हूँ, मैंने पट्टी बांधी है उसके पैर में। ये देखिए गाइस, उसके पैर में मैंने पट्टी बांधी है, गर्म पट्टी बांधी है, और काफ़ी स्वेलिंग आ गई है, तो सो गई है। करिश्मा सो रही है। कम कम शुभ तो खाना थोड़ा सा खाना खा लेते नहीं भाई, देखा ना आपने, इसका मन नहीं कर रहा। मेरा दूध का ग्लास रखा हुआ है, मैं पीऊंगा, मैं पी लेता हूँ जल्दी से। जिंदगी खराब। तो गाइस जैसे कि मैंने दिखाया करिश्मा के पैर में दर्द है, इसलिए करिश्मा ने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया और वो ऐसी सो गई खाली, सिर्फ दूध पीकर, और उसकी जब दर्द आराम होगा तो रात में अगर उठ के खाए तो खा ले, तो हम दे देंगे, अगर दर्द आराम होगा तो खाना दे देंगे हम, और खाएगी तो खा लेगी कमवा। और चलो गाइस आप आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए दुआ करिएगा जल्दी से ठीक हो जाए इसका पैर, दर्द आराम हो जाए सुबह तक, और फिर हम करेंगे एंजॉय, है ना। तो आज चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मैं दूध वगैरह पी लेती हूँ फटाफट से, फिर सोती हूँ, नींद बहुत तेज आ रही है इसलिए। चलिए गाइस बाय, रखते हैं, बाय बाय। Thank you.